बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पश्तो ज़बान के हर्फ तह जिसे कहेंगे अलिफ बे पे ते। दोस्तों, ये कुछ अल्फाज मैंने हाईलाइट किए हुए हैं और ये कुछ खालिस चार पांच अल्फाज हैं जो के उर्दू और अरबी में नहीं है, वो सिर्फ पश्तो ज़बान में है। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है ताकि इस इन अल्फाज में मज़ीद एक तफसीली वीडियो बनाऊं और उस वीडियो में आपको वाज़ह करता चलूं कि इस जो ये मैंने हाईलाइट किया है इन अल्फाज का मतलब क्या है और इनको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ते बना हुआ है और साथ में उसके नीचे दायरा लगा हुआ है, यहाँ पे ये टे की आवाज़ देगा, यहाँ पे इसको हम ठे पढ़ेंगे, ठे से जिम। और ये जिम की है की तरह है लेकिन ऊपर हमजा बना हुआ है, इसको जे भी कहते हैं और जिम भी कहते हैं। छे ये फिर बना हुआ है और ऊपर तीन नुक्ते हैं, इसको से पढ़ेंगे या सिम पढ़ेंगे। है है दाल डाल जाल रे रे जे ये गे। रे और रे के ऊपर और नीचे एक नुक्ता है, इसको गे, ये गे की आवाज़ देगा, इसको हम गे पढ़ेंगे। सीन शीन खीन, शीन के ऊपर नुक्ता और नीचे नुक्ता, ये सीन और शीन की कैटेगरी का ही लफ्ज़ है, इसको खीन पढ़ेंगे। खीन साथ ज़वाद थ्वे ज़्वे ऐन ग़ैन फ़े क़ाफ़ काफ़ गाफ़। और ये भी काफ़ कश वाला काफ बना हुआ है और काफ के कश के नीचे भी दायरा है, ये गाफ की आवाज़ देगा। लाम मीम नून, और ये नून और नून के नीचे दायरा, नून और नून के नीचे दायरा, इसको हम नून पढ़ेंगे। नून नून भी और साथ अड़े की आवाज़ है, नून। वाव है ये